हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। टारगेट आईबीपीएस आरआरबी 2019 की क्लास 5 में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे रीजनिंग का एक टॉपिक। देखिए, जो हम ऑनलाइन कोचिंग करा रहे हैं, अगर आप ये पूरी की पूरी फॉलो करेंगे, जैसा हम कहते हैं वैसा अगर आप करते रहेंगे, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको, आपका सिलेक्शन 110% हो जाएगा। लेकिन अगर आप चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे, आपको लगेगा नहीं ये हमें आता है, नहीं देखना है, नहीं ये क्वेश्चन मुझे बहुत बढ़िया से आते हैं, इसकी प्रैक्टिस मुझे नहीं करनी है, तो फिर चीज़ें उतनी अच्छी नहीं रहेंगी आपके लिए, चीज़ें उतनी बेहतर नहीं हो पाएंगी आपके लिए। तो कोशिश ये करिए कि जितना कह रहा हूँ वो करिए। अगर एक बार को वीडियो पूरी नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है, तो कोई बात नहीं, लेकिन जो प्रैक्टिस वर्कबुक दी जा रही है आपको, वर्कशीट दी जा रही है आपको, वो आप जरूर से जरूर उसको पूरी सॉल्व कर लें। एंड कोई डाउट है तो हमारे फेसबुक पेज पे पूछ लें, अपने किसी फ्रेंड से पूछ लें। टेलीग्राम ग्रुप बनाने की बात चल रही थी, तो फिलहाल टेलीग्राम ग्रुप, एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, उस ग्रुप को आप सभी को ज्वाइन करना है, ठीक है। वो ब्रॉडकास्टिंग का ग्रुप है, मतलब हम जो भी चीज़ें अपलोड करेंगे, कुछ नया कंटेंट देंगे, कुछ नई इन्फॉर्मेशन देंगे, कुछ नया एग्जाम के बारे में बताएंगे, तो वहां से आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फेसबुक पे जो टेलीग्राम ग्रुप दोनों का लिंक दिया है, प्लीज़ दोनों को लाइक कर लीजिएगा। देखिए, आज का टॉपिक जो आपका है वो है इनइक्वालिटी। आप लोग को मैंने मॉक टेस्ट दिया था, आप लोगों ने सॉल्व किया, बहुत से लोगों को बेसिक से पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। तो इनइक्वालिटी का ये पार्ट बेसिक क्यूब है, नेक्स्ट आपका थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा, कोरेट हो जाएगा, कोरेट में थोड़ा एडवांस हो जाएगा, कुछ नए पैटर्न की इनइक्वालिटीज भी आ रही है SBI में, वो भी हम डिस्कस करेंगे आने वाले पार्ट्स में। टाइम बहुत है, धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। आपको स्ट्रांग बनाना है एकदम बेसिक, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपको दिक्कत ना आए। ये वीडियो देखने के बाद आपको करना क्या है कि कुछ क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस के लिए आपको दिए हैं, वो प्रैक्टिस आपको करनी है। उस पीडीएफ में कुछ क्वेश्चन हो सकता है कोडेड इनइक्वालिटी के हो, तो उनको छोड़ दीजिएगा। अभी वेबसाइट पे जाना है, goldencareer.co.in क्लिक करना है स्टडी मटेरियल पर। एंड प्लीज दोस्तों, थोड़ा सा सपोर्ट करिए, आप लोग डाउनलोड करने आइएगा। देखिए, ये है टारगेट IBPS RRB 2019 इनइक्वालिटी वर्कबुक। इसको डाउनलोड करने से पहले यहाँ पे जो ढेर सारे एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले हो रहे हैं, इनमें से प्लीज किसी एक ऐड पर, सिर्फ किसी एक ऐड पर क्लिक कर दीजिएगा। आपको कुछ नहीं लगेगा, लेकिन हमें बहुत सारा सपोर्ट मिल जाएगा। इन्वेस्टमेंट होता है, पैसे लगते हैं वेबसाइट चलाने के लिए, कंटेंट लेने के लिए, कंटेंट क्रिएट करने के लिए किसी और को रखना पड़ता है, ताकि चीजें मैनेज कर पाए, वेबसाइट मैनेज के लिए रखना पड़ता है, तो वो चीजें एटलीस्ट निकल आए। हम आपको फ्री में दे रहे हैं, तो कोशिश ये करिए आपकी तरफ से भी ये कि हमारा पैसा कुछ ना लगे इसमें, उसी से चीजें मैनेज हो जाए। तो एक ऐड पे क्लिक कर दीजिएगा, आपका बहुत सपोर्ट हमें मिल जाएगा। दो पीडीएफ आज के, आज और कल आपका 2 दिन का वर्क है। एक इंग्लिश वोकैब आपको डाउनलोड करनी है, एक ये इनइक्वालिटी वर्क भी डाउनलोड करनी है। ये पूरा सॉल्व करना है, कोडेड इनइक्वालिटी के क्वेश्चन छोड़ देने हैं, और इंग्लिश वोकैब आपको लर्न करनी है 3-4 दिनों में पूरी की पूरी। क्वेश्चन कैसे करते हैं अब हम ये देखते हैं, तभी तो आप सॉल्व कर पाएंगे पीडीएफ का। देखिए, यहाँ पर स्टेटमेंट कॉमा से सेपरेट है, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, बेसिकली 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं अलग अलग, ठीक है। इनइक्वालिटी में क्या होगा, आपको 2 कंक्लूजन दिए जाएंगे, जो फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए बता रहा हूँ, और आपको ऐसे ऑप्शन मिलेंगे 5, आपको बताना होगा कि इनमें से कौन सा फॉलो करता है। तो देखिए, आप क्या करेंगे, क्वेश्चन देखने के बाद पहला काम ये करेंगे, आप कंक्लूजन पे जाएंगे, पी और यू, आपको पी और यू, पी से यू जाना है। अब देखिए, पी कहाँ है, यहाँ है, यू कहाँ है, यहाँ है, और यू कहाँ है, यहाँ है, ठीक है। अब यहाँ पे तो यू है नहीं इस स्टेटमेंट में, तो आप देखिए कौन सा इसमें वर्ड लेटर है, सॉरी कैरेक्टर है, जो ज्वाइन कर रहा है यू को, क्यू कर रहा है। चलिए लिख लीजिए, पी लेस देन क्या है, क्यू, लेस देन लिख लिया हमने क्यू, फिर क्या है, क्यू क्या है, लेस देन क्या है, यू, हमने लिख लिया लेस देन यू। तो अब जब आपने इतना लिख लिया, आप पी से यू आ गए, अब क्या होता है, आपको जितने भी बीच में सिंबल आ रहे हैं इनमें से आपको कॉमन सिंबल फाइंड करना होता है। देखिए, यहाँ भी क्या है, लेस देन है, यहाँ भी क्या है, लेस देन है, तो लेस देन कॉमन क्या हुआ, लेस देन ही हुआ, तो पी इज लेस देन यू, ये कंक्लूजन फॉलो करेगा। लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पी इज ग्रेटर देन यू, मतलब ये फॉलो नहीं करेगा, ये सही नहीं है। नेक्स्ट पे जाते हैं, V इज ग्रेटर देन T, V यहाँ पर है, चलिए V हमने लिख लिया, V क्या है, ग्रेटर देन U है, ग्रेटर देन U लिख लिया, ठीक है। अब क्या हमें जाना है, हमें T पे जाना है। अब T किसको जुड़ रहा है, यहाँ तो कुछ जुड़ नहीं रहा है, U तो आ नहीं रहा है, तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे U क्या है, U ग्रेटर देन Q है, तो U हम ग्रेटर देन लिख लेंगे Q, ठीक है, U ग्रेटर देन Q हो गया। अब Q क्या है, Q लेस देन इक्वल टू S है, Q लेस देन इज इक्वल टू एस है, लिख लिया, एस क्या है, इज इक्वल टू टी है,
ठीक है, अगेन आपको कॉमन सिंबल फाइंड करना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कॉमन तो कुछ आ नहीं रहा है, ये ग्रेटर देन है, ये ग्रेटर देन है, यहाँ पर आ गया लेस देन, ठीक है, अपोजिट साइन हो गया, तो यहाँ पे कोई कंक्लूजन नहीं निकल पाएगा। अब जब कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा है तो कंक्लूजन कहां से निकलेगा, सिर्फ आपको कॉमन सिंबल निकालना है, ठीक है। तो अगर देखिए सपोज, तो यहाँ पर तो कुछ कंक्लूजन नहीं निकलेगा तो ये भी फॉलो नहीं करेगा, ये तो बात हो गई इसकी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये फोर्थ, इफ नीदर कंक्लूजन वन नॉर कंक्लूजन टू फॉलोज, ठीक है। अभी इसमें क्या होगा, देखिए जस्ट सपोज करिए यहाँ पर ये सिंबल ना होता, इसकी जगह ये सिंबल होता, ग्रेटर देन इज इक्वल टू, ये हटा दीजिए, ठीक है। अब कॉमन क्या आता, देखिए यहाँ पर क्या है ग्रेटर देन, यहाँ पर क्या है ग्रेटर देन, यहाँ पर कॉमन क्या आ जाएगा, इक्वल टू तो है नहीं लेकिन ग्रेटर देन तो कॉमन आ जाएगा, आ जाएगा। इज इक्वल टू को हम हमेशा इग्नोर करते हैं, इज इक्वल टू लगने से आपके कंक्लूजन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कहीं भी इज इक्वल टू है उसको आप इग्नोर कर दीजिए। अब वी इज ग्रेटर देन टी आपका आ गया, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कॉमन सिंबल आपको मिल गया कि v इज ग्रेटर देन t, तब ये कंक्लूजन सही हो जाता, लेकिन चूंकि यहाँ पर निशान लेस देन इक्वल टू का था तो फिर कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा था, इसलिए आपको मिला ही नहीं कोई कॉमन और ये कंक्लूजन गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए ये वीडियो में मैं आपको सिर्फ दो या तीन क्वेश्चन कराऊंगा और दो क्वेश्चन एज असाइनमेंट दूंगा अभी, जो आपको कमेंट बॉक्स में उनके आंसर बताने हैं, और फिर पीडीएफ तो पूरी सॉल्व करनी ही है, वो प्रैक्टिस बुक आपको डाउनलोड करनी है, ठीक है। तो देखिए इसमें अब क्या है, अगेन सबसे पहला काम क्या करेंगे, आप जाएंगे सीधे कंक्लूजन पे, टी और यू देखना है, तो भाई टी यहाँ पर है आपने लिख लिया टी, और क्या देखना है यू देखना है, यू को कौन ज्वाइन कर रहा है, एक्स और वाई कर रहा है, टी वाले में तो एक्स और वाई है नहीं, तो डेफिनेटली हमको यहां इस रूट से जाना पड़ेगा। तो चलिए लिखते हैं टी इज इक्वल टू डब्लू, डब्लू इज ग्रेटर देन जेड। अब इस वाले में देखिए जेड क्या है भाई, वाई से जुड़ पाएगा ये, तो वाई से जाना है, जेड इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू वाई है, तो ग्रेटर देन इज इक्वल टू वाई हम लिख लेंगे, ठीक है। और फिर वाई क्या है, इज इक्वल टू एक्स है, इज इक्वल टू एक्स लिख लिया, ठीक है। x क्या है, लेस देन इज इक्वल टू u है, तो लेस देन इज इक्वल टू u हो जाएगा। अब t से u जाना है, सारे इज इक्वल टू को इग्नोर करिए, इनसे कोई फर्क नहीं है, यहाँ पे कॉमन सिंबल क्या आ रहा है ग्रेटर देन, यहाँ पर क्या है ग्रेटर देन इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है लेस देन इज इक्वल टू, अब अगेन कॉमन तो आ नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ है लेस देन इज इक्वल टू, तो कोई कॉमन सिंबल नहीं आ पाएगा, तो ये कंक्लूजन आपका रॉन्ग हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं s इज ग्रेटर देन u, s यहां पर है आपका, आपने s लिख लिया, आपको अगेन u तक जाना है, तो चलिए s इज क्या है ग्रेटर देन इज इक्वल टू z, ग्रेटर देन इज इक्वल टू z, z क्या है ग्रेटर देन इज इक्वल टू y, ग्रेटर देन इज इक्वल टू y, y क्या है इज इक्वल टू x, x x क्या है लेस देन इज इक्वल टू u, x है less than is equals to u, अगेन आप देखिए यहाँ पे greater than is equal to less than is equal to, कुछ कॉमन नहीं आएगा, ठीक है। is equal to को हम इग्नोर करते हैं, मैंने पहले भी बता दिया, सिर्फ आपको ये साइंस देखने हैं, तो यहाँ पर है greater than, यहाँ पर है less than, अपोजिट साइन आ गए, तो अगेन ये भी फॉलो नहीं कर रहा, ये भी नहीं फॉलो कर रहा, तो इसका आंसर होगा इफ नीदर कंक्लूजन वन नॉर कंक्लूजन टू फॉलोज। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसमें कोई ना कोई फॉलो करना चाहिए, ठीक है। एंड उसके बाद दो क्वेश्चन मैं आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले करूंगा जो आपको अभी सॉल्व करने हैं एंड कमेंट करना है। हमको जाना है ए से एक्स तक, आपने लिखा ए यहां पर, जाना है कहां एक्स तक, चलिए ए से टी और टी से एक्स हमें मिल जाएगा, तो चलिए लिख लेते हैं, ए इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू पी है, पी क्या है इज इक्वल टू एस है, एस क्या है ग्रेटर देन टी है, अब टी क्या है ग्रेटर देन इज इक्वल टू एक्स है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू एक्स है, इज इक्वल टू वाले तो हम इग्नोर करेंगे, यहाँ पे साइन क्या आ रहा है ग्रेटर देन इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ रहा है ग्रेटर देन, यहाँ पे क्या आ रहा है ग्रेटर देन इज इक्वल टू। अब इसमें कॉमन क्या आएगा, देखिए ये कॉमन है, ये आ रहा कॉमन, ये आ रहा कॉमन, ये आ रहा कॉमन, कॉमन तो मिल गया आपको, ग्रेटर देन साइन कॉमन मिल गया, मतलब ए इज ग्रेटर देन एक्स आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ कंक्लूजन वन आपका सही है। कंक्लूजन टू के बारे में बात करते हैं, पी इज लेस देन बी, चलिए पहले हम पी लिखते हैं, पी को अगर हमें बी जोड़ना है तो बी यहां से जुड़ जाएगा, ठीक है, टी जाएंगे टी से बी जुड़ जाएगा हमारा, पी लिखिए, पी क्या है इज इक्वल टू एस है, इज इक्वल टू एस लिख लिया, एस क्या है ग्रेटर देन टी है, हमने ग्रेटर देन टी लिख लिया, अब टी क्या है इज इक्वल टू बी है, इज इक्वल टू बी लिख लिया हमने, ठीक है, इज इक्वल टू बी लिख लिया। अब देखिए क्या है, यहां पर ये है कि इज इक्वल टू को इग्नोर करेंगे तो बच रहा है एक ही साइन ग्रेटर देन का, तो पी इज ग्रेटर देन बी ये आपका आ गया, लेकिन यहां पर दिया हुआ है पी इज लेस देन बी, मतलब ये फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा इफ ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज। तो उम्मीद करता हूं ये सिंपल इनइक्वालिटी का तीन क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, ठीक है।
अभी मैं आपको दो क्वेश्चन देता हूं, उसके बाद आप वेबसाइट पे जाइएगा, जो वर्कशीट है वो डाउनलोड करिएगा एंड इंग्लिश वोकैब भी डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड डाउनलोड करने के पहले आप प्लीज एकेडमी पे क्लिक जरूर करिएगा। चलिए अभी के प्रैक्टिस क्वेश्चन जो आपको कमेंट करके बताने हैं, एक क्वेश्चन ये है, आप वीडियो पॉज कर लीजिए एंड देखिए क्वेश्चन को, सॉल्व करिए एंड कमेंट करके बताइएगा कि इस क्वेश्चन में क्या फॉलो कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। सेकंड क्वेश्चन आपके असाइनमेंट में ये है, आप इस क्वेश्चन को भी करिए, पॉज कर लीजिए वीडियो को एंड दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद एक साथ कमेंट कर दीजिएगा कि क्या फॉलो कर रहा है एंड क्या फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। बेसिकली सेशन कल ही आना था लेकिन कल वीडियो में आपका वॉइस ही नहीं थी, कुछ रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम हो गई, इस वजह से जो है वो वीडियो मुझे वहां से हटानी पड़ी। एंड आज आप जाइए सॉल्व करिए एंड ध्यान ध्यान रखिएगा कि वर्कशीट जो वेबसाइट पर अवेलेबल है वो सॉल्व करना बहुत जरूरी है, उसको डाउनलोड करके रखने से भी कुछ नहीं होगा, आपको पूरा सॉल्व करना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वीडियो को वेबसाइट को प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके एंड हमें भी कुछ नए सब्सक्राइबर्स मिल सके। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एग्जाम्स।